हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। अभी जो आप लोग सामने दिख रही है अपनी बजाज की आरी, लेकिन अपना इसका इलेक्ट्रिक वर्जन। हाँ भाई सही सुन रहे हो, जो अपनी बजाज आरी है कॉम्पैक्ट, वो पहले सीएनजी में, डीजल में, एलपीजी में आती थी, लेकिन अब और पेट्रोल में आती थी, लेकिन अब आप लोगों को इसमें इलेक्ट्रिक वर्जन में देखने को मिल जा रहा है जो कि आप लोगों के सामने है। अब ये 2024 में लॉन्च हुआ, क्या क्या चीजें आप लोगों को मिल जाती है उन सबकी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बस चाबी दिखा देता हूँ। तो इस तरह की आप लोगों को चाबी मिलती है, देख लो एक बार, नॉर्मल चाबी रहेगी, अपना बजाज का लोगो मिल जाता है। बाकी इस पे आप लोगों को 5 साल और 1,20,000 किलोमीटर तक की वारंटी भी जो है बजाज है वो आप लोगों को प्रोवाइड करा देता है। अब ये है अपना इसका ईटेक 9.0 वेरिएंट, 9.0 की इसमें आप लोगों को 8.9 किलोवाट की बैटरी मिल जाती है। इसलिए अब यहाँ पे आप लोग देखो तो इस तरह की इंडिकेटर मिल जाए अपने हेलोजन में नीचे, यहाँ पे आप लोगों को नंबर प्लेट के लिए मिल जाता है, रिफ्लेक्टिंग टेप मिल जाता है सामने तरफ, और सामने जो अपना ये रहेगा मडगार्ड या बम्पर कह लो जो भी है, ये आप लोगों को पूरा यहाँ पे मैट ब्लैक फिनिश में मिलता है, और इसी में आप लोगों की हेडलाइट आ जाएगी जो कि अपने हेलोजन में रहेगी। बाकी सिंगल वाइपर मिलता है जो कि सफिशियंट है इतनी बड़ी स्क्रीन के लिए, इतनी बड़ी विंडशील्ड के लिए। दो आप लोगों को ओआरएम्स मिल जाते हैं, और अगर फ्रंट नोज की बात की जाती है अपनी मेटल की मिलती है, और यहाँ पे जो टायर रहेगा वो आप लोगों को इसमें यहाँ पे आप देख पा रहे हो इस तरीके का मिलता है, ये अपने हेलिकल स्प्रिंग में रहेगा। टायर का अपना जो साइज अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे आप लोग को 120/80R12 का यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे टायर मिल जाता है, ये है पीछे मडगार्ड मिल जाएगा। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को इसमें 163 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है, और साइड से जो इसका लुक है वो कुछ इस तरीके का आता है, यहाँ पे आप लोग अभी देख सकते हो। बाकी ये जो जगह है यहाँ से आप लोगों को इसे चार्ज करना होगा, और नॉर्मल आप लोग घर के में जो सॉकेट होता है अपना पावर प्लग उससे चार्ज कर सकते हैं इसे, और इसको आप लॉक भी कर सकते हैं ताकि कोई छेड़े ना, आपके डब्बो बाहर खड़े रहे तो इसलिए। बाकी ऊपर की तरफ जो आप लोगों को यहाँ पे रूफ मिलती है येलो मिलती है, दूसरों में यहाँ पे आप लोगों को ब्लू में मिलेगी, यही कलर ऑप्शन है आप लोगों के पास अभी इसमें। बाकी आप लोगों को गिलास मिल जाता है, पिछला टायर ये भी आप लोगों का सेम साइज का रहेगा इसी का ही, अपना 120/80R12 का। एंड यहाँ पे आप लोगों को ट्रांसपेरेंट ये मिल जाता था कि आप पीछे देख सके, पीछे भी आप लोगों को बजाज आरी की बैजिंग मिल जाती है। और एक बार मैं चाबी ले आता हूँ ताकि मैं एक बार पीछे से आप लोगों को जो इसका इंजन वाला एरिया है, हालांकि इसमें इंजन तो है नहीं, बैटरी है और मोटर है क्योंकि इलेक्ट्रिक है, तो लेकिन एक बार ना मैं खोल के दिखाता हूँ कि वहाँ पे आप लोग क्या क्या मिलता है। तो एक तो जो अपनी स्पेयर व्हील होती है, स्टेपनी आप लोग कहते हैं, वो मिल जाती है यहाँ पे। एक बैग मिल जाता है जिसमें कि आप लोग अपना थोड़ा बहुत सामान रख सकते हैं, और अपना जैक मिल जाता है, और थोड़ा बहुत स्पेस और है कि आप लोग एक दो चीज़ें जो कोई एक्स्ट्रा रखना चाहो तो वो यहाँ पे रख सकते हो इस तरीके से, जिसके आप लोग अभी देख पा रहे हो। सामने इसकी बैटरी मिल जाती है, नीचे अपनी मोटर आ जाती है, राइट साइड देखोगे तो यहाँ पे नंबर प्लेट के लिए स्पेस मिल जाता है, बजाज आरई की बेस्ट स्टिकर मिल जाता है जो कि अपना ग्लोसी ब्लैक में रहेगा, और आरई में ई की जो लाइन है वो आपको ब्लू मिलेगी, हेलोजन इंडिकेटर, रिवर्स लाइट, बैक लाइट, ब्रेक लाइट ही मिल जाती है, डोर बम्पर कुछ इस तरीके का मिलेगा। और अब चलते एक बार अंदर, बाकी ईटेक 9.0 की बैजिंग मिल जाती है क्योंकि 9 किलोवाट की बैटरी मिलती है। सेफ्टी के लिए आप लोगों को यहाँ पे डोर्स मिल जाते हैं इस तरीके के, जिसको आप लोग ऊपर लीवर खींच के खोल सकते हैं, लॉकेबल रहते हैं वो, और इस साइड से भी एक बार देख लो इस तरीके कुछ प्लेन है। बाकी भाई कितना चलेगी वो सब मैं आपको बताऊंगा। अब इसमें आप लोगों की रीजनरेटिव ब्रेकिंग आ जाती है, यानी जब भी आप लोग ब्रेक लगाएंगे तो आपकी जो बैटरी है वो चार्ज होगी। पीछे तरफ आप लोग कुछ इतना स्पेस मिलता है, आप लोग हेलमेट रख सकते हैं आराम से, और लेग स्पेस भाई काफी मिलता है। मैं 6 फीट का हूँ तो मैं भी आराम से बैठ पा रहा हूँ, पैरों में स्पेस काफी मिल जाता है, ऐसा नहीं कि लोहा जो है मेरे घुटनों टच हो रहा है, ऐसा नहीं, और इस तरह की सीट मिलती है। बाकी बोतल होल्डर मिल जाता है, नीचे अपने ब्रेक रहेंगे, हैंड ब्रेक रहेंगे, और आप लोगों को लोकेबल ग्लव बॉक्स मिलता है इधर, इसमें आप लोग अपना कुछ सामान रख सकते हैं, ना इधर है ना इधर है, कुछ जैसे होता है ना अपना, बस हैंड ब्रेक है नीचे, क्योंकि रिवर्स वगैरह के जो ऑप्शन है वो सारे आप लोगों को हाथ में मिल जाते हैं। और भाई इसमें क्लच नहीं मिलती, सबसे बड़ी बात ये देख लो भाई, कोई क्लच नहीं है, सिर्फ अपना पासिंग के लिए है, ड्राइव मोड है, इंडिकेटर्स है, और हॉर्न ना क्लच नहीं है, और इस साइड अपने वाइपर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, नीचे अपने ये हेडलाइट से कंट्रोल मिल जाते हैं इस तरीके से। बाकी यहाँ पे लोकेबल ग्लोव बॉक्स मिल जाता है आप लोगों को, और इस तरीके का कुछ मीटर मिलता है, इसमें बैटरी परसेंटेज कितना चले हैं, कितना स्पीड है, वो सब ये बताता रहेगा ट्रिप ट्रिप वगैरह। और यहाँ पे आप लोगों को कोई पार्किंग ब्रेक लग रही है, यानी इंजन ब्रेकिंग है, यानी दूसरी अगर कोई वार्निंग लाइट है तो वो यहाँ पे आप अपना फोन अटैच कर सकते हैं, साइकिल नेविगेशन चाहिए तो उसके लिए, और नीचे आप लोग यहाँ पे सॉकेट मिल जाता है 12 वोल्ट का। बाकी ग्रेडेबिलिटी यहाँ पे आप लोग 29% की मिल जाती है, नहीं कितनी हाइट पे चढ़ सकती है, कितनी ढलान पे या कितनी चढ़ाई पे चढ़ सकती है तो उसके लिए। बाकी यहाँ पे अगर मैं बाहर से बात करूँ एक बार इसकी, तो इसमें हिल होल्ड भी आ जाता है, यानी जब आप लोग चढ़ाई पे चढ़ रहे हो, रेस छोड़ दी तो ये अपने आप पीछे नहीं भागेगी, आप लोगों को ब्रेक भी दबानी जाती है, ऑटोमेटिकली रुक जाएगी, और जब आप लोग रेस देंगे तो ये ऊपर चढ़ जाएगी। पावर की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को 4.5 किलोवाट की पावर मिल जाती है, और टॉर्क आप लोग यहाँ पे 36 न्यूटन मीटर का मिल जाता है, और इसकी जो बैटरी है वो IP67 पैकिंग के साथ आती है। बाकी इसको अगर आप लोग फुल चार्ज करेंगे 0-20 तो ये आप लोगों की 4.5 घंटे में हो जाएगी, और 3 पिन का 16 एम्पीयर का ये जो इसका चार्जिंग सॉकेट है वो मिल जाता है। बाकी हेलिकल स्प्रिंग मिल जाते हैं आप लोगों इसके सस्पेंशन के लिए, टायर साइज तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया। रेंज जो है वो आप लोग इसमें 178 किलोमीटर की निकल के आती है, यानी कि एक बार चार्ज करेंगे तो 178 किलोमीटर आराम से चलेगी दोबारा चार्ज होने से पहले। अब इसकी कीमत की बात करें तो इसकी दिल्ली की एक शोरूम कीमत तकरीबन 30,30,000 रुपए है। बाकी आप लोगों को इस कीमत पे, इस रेंज में ये जो प्रोडक्ट बजाज लेके आया आप लोगों के लिए, ये कैसा लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और यार आप लोग ना चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते यार, वीडियो पसंद आ रही फ्री में है
आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो ही मेरी हेल्प होगी, तभी मैं दूसरी वीडियोस ला पाऊंगा। तो सब्सक्राइब कर दो, बाकी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो। मैं आप लोग इसमें देखने वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।